हे गाइस, मैं सेल्फ अंकित, यू आर वाचिंग गैजेट्स लाइव। सो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं आईफोन 11 वर्सेस OnePlus 9R का स्पीड टेस्ट। आईफोन 11 में आपको एप्पल A13 बायोनिक चिप देखने को मिलती है जिसमें हेक्साकोर प्रोसेसर है। वहीं बात करते हैं रैम की तो उसमें आपको 4GB रैम देखने को मिलती है LPDDR4X टाइप की। एंड स्टोरेज टाइप की बात करते हैं तो उसमें आपको NVMe स्टोरेज टाइप देखने को मिलती है। दोनों फोन्स में आपको डुअल चैनल रैम देखने को मिल जाती है। वहीं बात करते हैं OnePlus 9R की, उसमें आपको स्नैपड्रैगन 870 देखने को मिलता है जो कि ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। रैम इसमें आपको 8GB भी देखने को मिलती है, सेम अगेन LPDDR4X टाइप की। एंड स्टोरेज टाइप आपको इसमें UFS 3.1 देखने को मिलती है। तो जल्दी से हम दोनों ही फोन्स को टर्न ऑफ कर देते हैं एंड देख लेते हैं बूट टाइम हमें किस फोन का कम देखने को मिलता है। ओके, आईफोन 11 का बूट टाइम हल्का सा कम था OnePlus 9R के कंपैरिजन में। मतलब बूट टेस्ट में विनर आईफोन 11 रहता है स्लाइटली हल्के से मार्जिन से, नॉट अ मच ह्यूज डिफरेंस। तो दोनों ही फोन्स को मैंने सेम वाईफाई नेटवर्क्स पे कनेक्ट कर दिया है। एंड सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक एप्लीकेशंस की। आप देख सकते हैं मल्टीटास्किंग में दोनों ही फोन्स में कुछ भी नहीं है। तो हम बेसिक एप्लीकेशंस को खोलेंगे एंड देखेंगे कितना डिफरेंस हमें देखने को मिलता है इनकी स्पीड्स में। तो सबसे पहले हम चलते हैं सेटिंग्स, ऑलमोस्ट सेम, देन क्लॉक ऑलमोस्ट सेम, देन कैलकुलेटर, ये भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, ऑलमोस्ट सेम थे। देन यूट्यूब, ओके, OnePlus 9R ने पहले यूट्यूब को लोड करा है। देन कैमरा, आई थिंक ये आईफोन 11 को जाता है। देन ऐप स्टोर प्ले स्टोर, ओके, आईफोन 11 ने पहले ऐप स्टोर को लोड करा है। देन अमेजोन, OnePlus 9R ने अमेजोन को पहले लोड कर दिया है। देन फ्लिपकार्ट, नॉट अ मच डिफरेंस, ऑलमोस्ट सेम था। देन क्रोम, OnePlus 9R, देन प्राइम वीडियो, आईफोन 11, देन नेटफ्लिक्स, OnePlus 9R। अब चलते हैं कुछ गेम्स पे एंड देखते हैं कि स्पीड में कितना डिफरेंस है। पिन आउट, OnePlus 9R में स्लाइटली पहले लोड हुआ है, नॉट अ मच डिफरेंस। देन सर्वे सर्फर्स, ओके, आईफोन 11 पहले लोड हो गया है। अब चलते हैं अगले गेम पे, टेम्पल रन 2। ओके, OnePlus 9R ने इसको पहले लोड कर लिया है, दैट्स ग्रेट। दोनों ही फोन्स की स्पीड काफी अच्छी है। देन एंग्री बर्ड्स 2, OnePlus 9R, एक या दो सेकंड के मार्जिन से इसने एंग्री बर्ड्स 2 को पहले लोड कर लिया है। तो OnePlus 9R की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। दोनों ही फोन्स काफ़ी स्नैपी हैं। देन सुपर मारियो रन, ओके, आईफोन 11 ने इसको पहले लोड करा है स्लाइटली हल्के से मार्जिन से। देन फ्री फायर, मुझे लगता है आईफोन 11 में पहले ये लोड होने वाली है क्योंकि इसमें गरीना पहले लोड हो चुका है। लेट्स सी गाइस, यस, आईफोन 11 में पहले फ्री फायर लोड हो चुकी है, देन OnePlus 9R में। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, दोनों फोन्स काफ़ी तेज़ गेम्स को लोड कर लेते हैं। देन कॉल ऑफ ड्यूटी, ओके, आईफोन 11 में अगेन कॉल ऑफ ड्यूटी पहले ओपन हो चुकी है स्लाइटली। आई थिंक 2 या 3 सेकंड का डिफरेंस था, उसके बाद OnePlus 9R में ये गेम लोड हुई है। एशवल्ट 9, अगेन आईफोन 11। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हैवी गेम्स में एप्पल A13 चिप बाजी मार रही है ओपन करने में गेम्स को। देन डेड ट्रिगर 2, आईफोन 11 था स्लाइटली, बहुत कम मार्जिन था बट नेग्लिजिबली था। तो अब कर लेते हैं मल्टीटास्किंग टेस्ट एंड देख लेते हैं मल्टीटास्किंग में इन दोनों फोन्स में से कौन सा अच्छा परफॉर्म करता है। तो सर्वर सर्फर्स दोनों ही फोन्स की मेमोरी में ऑलरेडी थी। उसके बाद हम चलते हैं कुछ और एप्लीकेशंस पे एंड देखते हैं वो मेमोरी में है या नहीं है। तो अगली गेम हम ओपन करने वाले हैं एंग्री बर्ड्स 2 एंड देखते हैं वो मेमोरी में है या नहीं है। ओके, दोनों ही फोन्स की मेमोरी में एंग्री बर्ड्स 2 है, काफ़ी अच्छी बात है। आपको रैम आधी देखने को मिलती है आईफोन 11 में, तब भी ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है मल्टीटास्किंग में, एज गुड एज 8GB ऑफ रैम। अब हम ओपन करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन। ओके, तो OnePlus 9R ने प्राइम वीडियो को कहीं ना कहीं दोबारा से लोड करा है एंड आईफोन 11 की मेमोरी में वो ऑलरेडी था। अब हम चलते हैं फ्री फायर को ओपन करते हैं। तो फ्री फायर भी दोनों ही फोन्स की मेमोरी में ऑलमोस्ट है, किसी ने भी रीलोड नहीं करी है। ओपन करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन एंड देखते हैं वो हमारी मेमोरी में है या नहीं है। कॉल ऑफ ड्यूटी को ओपन करते हैं। ओके, कॉल ऑफ ड्यूटी भी अगेन दोनों ही फोन्स की हमारी मेमोरी में थी, किसी भी फ़ोन ने इस गेम को रीलोड नहीं करा है। द
दैट्स अमेजिंग। दोनों की मल्टीटास्किंग मतलब काफ़ी अच्छी है, मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस दोनों की इंप्रेसिव देखने को मिल जाती है। एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, हम देखते हैं फ्लिपकार्ट। ओके, वन प्लस 9R ने फ्लिपकार्ट को दोबारा से लोड कराया, एंड आईफोन 11 की फ्लिपकार्ट मेमोरी में थी। दैट्स ग्रेट, दैट्स सरप्राइजिंग। उसके बाद हम ओपन करते हैं कुछ और एप्लीकेशन लाइक क्रोम। क्रोम दोनों ही फोन्स की एप्लीकेशन हमारी मेमोरी में थी। इसके बाद हम एक और गेम को ओपन करके देख लेते हैं, एशफल्ट 9 को। ये मेमोरी में है या नहीं है, क्योंकि ये ठीक ठाक साइज़ की गेम है। तो एशफल्ट 9 भी हमारे दोनों ही फ़ोन्स की मेमोरी में ऑलरेडी है। तो मल्टीटास्किंग दोनों ही फ़ोन्स की काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, एंड मैं काफ़ी ज़्यादा शौक हुआ हूँ आईफोन 11 की परफॉर्मेंस से, क्योंकि इसमें 4GB रैम देखने को मिलती है, आपको हेक्साकोर प्रोसेसर देखने को मिलता है, एंड ये फ़ोन 2019 का फ़ोन है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है तब भी इसने हैवी गेम्स को लोड करने में OnePlus 9R को बीट कर दिया है, एंड मल्टीटास्किंग में भी ये बिल्कुल भी पीछे नहीं है OnePlus 9R के कंपैरिजन में। बात करें कॉन्क्लूजन की, तो दोनों ही फ़ोन्स काफ़ी ज़्यादा स्नैपी हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं कहना चाहूँगा कि एक फ़ोन दूसरे फ़ोन से ज़्यादा तेज़ है, बट प्रायोरिटी आपकी है, बाय फ़ोन आपको करना है। आपको क्या लगता है कि कौन सा फोन आपको विनर लगा है इस स्पीड टेस्ट का, कंक्लूजन में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मेरे हिसाब से दोनों ही फोन्स काफी ज्यादा स्नैपी हैं, काफी ज्यादा फास्ट फील होते हैं, एंड 8GB रैम जो OnePlus 9R में देखने को मिलती है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। जो iPhone 11 की 4GB रैम है वो तो ऑब्वियसली करती ही है 4 के हिसाब से, क्योंकि उसकी जो ऑप्टिमाइजेशन है हमेशा अच्छी होती है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो गाइस, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।